पीटीए के लिए सॉन्ग बनाए, उसके भी मोहब्बत निकल आती है, मियां साहब की मोहब्बत निकल आती है। पीटीए से निकलती थी ना, वो यहाँ से निकलती थी। अच्छा, ये जो नून से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है। पीटीए की याद ताजा कर दे हल्की सी। अरे अल्लाह जेल वेट तेरा कर दी मियां। मुंडे समुद्र आएंगे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आके बैठ गई है भैया। मियां साहब आ रहे हैं, कुछ इस्तकबाल करो, कोई भंगड़े शंगड़े, कोई चिट्टी घोड़ियां, कोई ढोल ढमका, कुछ नहीं ना जी, साढ़े को ना टाइम कोनी का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क्यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी में ऐसी जुटी कि सब भूल गई, जो जलसे अनाउंस किए थे पोस्टपोन कर दिए गए, बिरयानी 1-5। तो अब तो कमालिए के साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी असद कहते हैं कि जो मियां साहब का इस्तकबाल करेगा बगैर हिसाबों किताब जन्नत में जाएगा। और यहां पर तैयारियां अपने अरूज पर हैं, तमाम सीनियर लीडरशिप यहां पर विजिट भी कर रही है, कुर्सियां शुर्सियां भी लगाई जा रही हैं, एक शानदार बड़ा स्टेज जो है वो मीनारे पाकिस्तान के साए तले बना दिया गया है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गेलानी। तैयारियों की क्या है कहानी जानने की कोशिश करते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। लीजिए जनाब, हमारे साथ वली सन्स, जो के पहले पीटीआई के जलसों में रौनक को दुबाला किया करते थे, और जिस तरह बाकी सारों ने यू टर्न ले लिया, लगता है इन्होंने भी यू टर्न ले लिया। कैसर भाई जो है आजकल मियां साहब के जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, कैसी तैयारियां भजन? तैयारियां आपके सामने, आपने पहले भी फुटेज बनाई है। और नहीं जी, हमने कोई पीटीआई या नून लीग ज्वाइन नहीं की। अच्छा। ये हमारा काम है, डीजे वली सन हम देते हैं जी, अपनी फैसिलिटीज देते हैं साउंड की, इक्विपमेंट की। हाँ। और गाना वो कहते हैं तो हम बना देते हैं। आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? देखिए, वो जो फील होती है ना कोई सॉन्ग बनाना हो, वो आपके अंदर से निकलती है, आपके अंदर से दोनों के लिए मोहब्बत निकलती है। पीटीआई के लिए सॉन्ग बनाए, उसके भी मोहब्बत निकल आती है, मियां साहब की मोहब्बत निकल आती है। पीटीआई से निकलती थी ना, वो यहाँ से निकलती थी। अच्छा, ये जो नून से निकलती नहीं तो क्या क्या सॉन्ग जो आप इस दफा रिलीज कर रहे हैं आप, तो क्या थोड़ा एक दो शेर सुनाए ना जरा। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक, तरक्की का है राज, मियां नवाज, मियां नवाज शरीफ। कैसर भाई क्या बात है, ये यकीन की बात कर रहे हैं, उनको खुद यकीन नहीं है। आपको यकीन है मियां साहब आएंगे दोबारा नहीं जाएंगे? मैं बताता हूँ। आओ मुल्क को फिर से संवार ले, मियां नवाज शरीफ का हम साथ दे, दुश्मनों की सोच को जड़ से उखाड़ दे, उम्मीद से यकीन तक, पाक सर जमीन तक, तरक्की का है राज, मियां नवाज। तो कैसर भाई, ये सॉन्ग जो है, ये पार्टी सॉन्ग, ये आपकी ही दर्द भरी आवाज में सुनना पड़ेगा कि आप किसी फीमेल सिंगर से गवाएंगे? नहीं, वो फरहान है नहीं जिसने गाया था ना, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, वो भी मेरा था। अच्छा। वो भी मेरा था जी जी, और वो भी डीजे वली सर ने किया था, ये भी, और जो पीटीआई की तो आप सुनते ही रहते हैं। जबरदस्त हो गया। मैं हल्की सी आंच पे ना जरा बच बचा के वोटर से, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान के ही हम पार्किंग में खड़े हैं, तो मुस्लिम लीग की वोटर से बच के जरा वो पीटीआई की याद ताजा कर दे हल्की सी। अरे अल्लाह जेल हल्की आंच में गाना है, किसी को पता ना लगे। अरे अल्लाह जेल वेट तेरा कर दी मियां। अब आपको यकीन है कि मियां साहब आएंगे और तरक्की की जो राह पे गामजन। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मियां साहब जिस हुब्बल वतनी से आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह हमारा मुल्क, पहले दुआ करें जी, जो अगर मुल्क सलामत है तो हम, मैं, मियां साहब है, व्हाटएवर कोई भी है। अच्छा। तो मियां साहब अच्छा सोच लेके आ रहे हैं, अल्लाह करे ये मुल्क इंशाल्लाह ताला, हमारी पाक फौज को सलाम है जी, वो अच्छा वाहद एक पाक फौज है जो हमारे साथ खड़ी है, मियां साहब आ रहे हैं, अल्लाह करे मुल्क को अच्छा लेके चले, हम उनके साथ हैं, कोई भी हो। अच्छा, ये चॉइस नहीं होती जी कि इमरान खान हो या मियां नवाज शरीफ हो या शहबाज़, नहीं नहीं, जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा। भाई आपने तो अपना डीजे चलाना है, कोई भी आ जाए आपने चला देना है ना, आप हर हाल में खुश है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब, विश यू ऑल द बेस्ट। एक यहाँ पर अंदरून के वोटर हमारे साथ मौजूद है, हजूर तुहानू लगता है कि अवाम अपने कायदे इस्तकबाल वास्ते इत्थे जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाएगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, करोड़ों की अवाम आएगी अल्लाह ताला की करम नवाजिश से।
अच्छा जी, यहाँ पे नहीं कोई संभाल सकता, माँ का बेटा नहीं संभाल सकता, समुद्र समुद्र आएंगे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आके बैठ गई हुई है। अच्छा, सीन से भी आ गई है, बलोचिस्तान से भी आ गई। कहाँ बैठे हैं? यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। होटलों पे। अच्छा अच्छा, ठहरे में। अच्छा, वो अपने कायद के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए अपने यहाँ पे इस्तेमाल करने आए मियां साहब। आप लोहारी के रहशी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि अगर करोड़ों की तादाद आप कह रहे हैं, तो मैंने तो यहाँ से पूछा, जो इंतजाम कैटरिंग का जिनके पास है, वो कहते हैं कोई 50-55 हज़ार कुर्सियां हैं, तो फिर आपको 5-10 लाख कुर्सियां तो हुआ है ना? जब आवाम मोहब्बत आ जाएगी जमीन पे ही बैठेगी। अच्छा, यानी कि आपने तैयारी पूरी रखी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि लोगों को अब किसी चीज की लालच देने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले बिरयानियों की बात आती है, फिर खोकर साहब 125 की ऑफर करा देते हैं, आप एक बंदा कह रहा है जनाब आप जनती हैं, आप जलसे में आएंगे, आपको ये क्यों करना पड़ रहा है? सर कोई जनती नहीं, कोई ये मोहब्बत होते हैं, जो भी कोई आता है अपनी मोहब्बत से आता है, कोई किसी को नहीं। जनाब ये शानदार किस्म का स्टेज हमारी बैग पे बना है बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान के सामने, और जो इर्द गिर्द गर्दोनवा के वोटर्स हैं वो यहाँ पर विजिट भी कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। मुझे ये आप बताएं कि इस बार क्या गारंटी है कि मियाँ साहब आएंगे और वापस नहीं जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, यकीन है आपको? तो आपके दिलों में ये सवाल नहीं उठता यार 4-5 साल हमारा लीडर हमें छोड़ के तन्हा चला? कोई नहीं, मियां शहबाज शरीफ से सजा मेरे पास तो। अच्छा? क्या हो गया? हाँ जी, कोई बात। तो इस दफा वोटर जो है वो वोट कास्ट करेगा मियां साहब? अल्हम्दुलिल्लाह से डबल होगा इंशाल्लाह। लीजिए जनाब, जलसे की तैयारियां देखने के लिए गर्दोनवा से वोटर सपोर्टर जलसा गांव में आ रहे हैं, मनारे पाकिस्तान आ रहे हैं। पन थोड़ा किधर ना तलक है मियां साहब? जी इंशाल्लाह सर, साडा मियां साहब ना तलक है, और आने वाले टाइम ते भी मियाँ साहब ना तलक रहेगा, और इंशाल्लाह असीं मियाँ साहब ना पूरी वफा निभावांगे। तुसीं वेख रहे हो मियाँ साहब दी रौनकां लाई हुई सारियां। मियाँ साहब तुहाडे नाल वफा निभांदे ने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्यों नहीं? लो हफ्ते वास्ते जांदे ने, फिर 4-5 साल वापस नहीं आंदे। वेखो तबीयत खराब होई ना तुहाडा मेरा किसे दा कोई अमर नहीं हैगा, कुदरती अमर है। इलाज मुआलजा ते साडा कानून आर्टिकल साडी अपनी इस्लाम दी इजाजत है, भी असीं इक कंट्री तो दूसरी कंट्री अपने इलाज मुआलजा। मियाँ साहब नूं अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती देवे, मगर 5-5 साल इलाज होंदा? नहीं सर, वेखो 5 साल मियाँ साहब रहे ने, ताड़ी पिछे मुआशे दा की हाल कीता पठाना। नहीं तो 15 महीने जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ तो ठीक कर जाने, वो मुझे खराब कर गया। गल सुनो, सारा पूरा लाहौर पे आया। हाँ। ओरेंज लाइन अरबां रुपयां दा प्रोजेक्ट है। अच्छा। कोई दूसरे सिटी दे विच वहाओ, कोई किसे तंजीम ने या किसे पार्टी ने कम कीता। हुण जो नौजवान जड़े ने मियां साहब आ रहे ने, कोई इस्तकबाल करो, कोई भंगड़े शंगड़े, कोई चिट्टी घोड़ियां, कोई ढोल ढमका, कुछ नहीं? ना जी, साडे कोल ना टाइम कोनी गा। ओ तुसीं एने वेले हो, जलसे तों पहले ही जलसा गा जाए हो, जलसे ने नहीं आओगे? अल्लाह दी रहमत ना, मियां साहब दा अपना तह दिल दी गहराई ना इस्तकबाल करांगे। मियां साहब साडे सिर मत्थे दे ने, मुर्शद ने साडे, ते मुर्शद इंशाल्लाह तकदीर बदलणगे मुल्क दी, और जमाना वेखेगा इंशाल्लाह, दुनिया देखेगी। तो मुर्शद साहब जड़े ने मुरीदां नूं कल्ला छड्ड गए? नहीं ना छड्ड गए, वेखो मियां साहब दा सारी वर्किंग मरियम नवाज शरीफ इत्थे ने, मियां शहबाज शरीफ साहब इत्थे ने, हमदा शहबाज शरीफ साहब इत्थे ने, जिन्नी वर्थ हो रही है आवाम नाल कार्य ने, सारा काम हो रहा है इंशाल्लाह, आवाम देख रही है। और भाई साहब रश पै जाएगा, अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल इतना बड़ा समंदर होगा, जहाँ से जहाँ जहाँ तक निगाह जाएगी ना, यतीम खाने तक, द्रोगे वाले तक, अपना शादारे तक, दुनिया ही दुनिया होगी, दुनिया ही दुनिया होगी। लोग पढ़े लिखे होते, अगर ये लोग पढ़े लिखे होते, लीडर की कदर करनी जानते। लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसने पाकिस्तान में एटम बम का धमाका करके दुनिया को बता दिया, और इंडिया को बता दिया, पूरे यूरोप को बता दिया। अल्लाह के फजलो करम से अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एटम बम का धमाका ना करता, आज हमें यूरोप भी खा जाता, इंडिया भी खा जाता। आज इंडिया भी डरता है और यूरोप भी डरता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक लीडर है, और उसने वो चीजें पाकिस्तान में बना दी है। क्या आपने तैयारे अमेरिका ने हमारे रोके 16? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चाइना के तावन से तैयारे बनाए, और ऐसे तैयारे बनाए ताकि यूरोप भी यरक गया है। लीडर के छाना मछाना चलना पाकिस्तानी आवाम का हक है, और पूरा हक अदा करना चाहिए। अगर पाकिस्तानी आवाम हक अदा नहीं करेगी, पछताएगी, ऐसा लीडर कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वोटर सपोर्टर बड़े ही जज्बाती हैं, और वक्त कम और मुकाबला सख्त है, और उनका ये कहना है कि अपने लीडर का इस्तकबाल बड़ी शान और शौकत से करेंगे। नहीं करेंगे, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ मिनट में बात करूंगा।
पहले भी आज भी वोटर के पास हम जा रहे हैं। ठीक हो गया, वोटर इतना सियाना है पाकिस्तान का, वो आपकी इन बातों में जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं या लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि नहीं मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या है? ये पूरे पाकिस्तान में हलचल किस चीज की है? अगर मियां नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों ने कहा ये चोर है, डाकू है, भगोड़ा है, अगर वो भगोड़ा है तो आज उसके आमद के लिए ये इतने लोग क्यों खुश हो रहे हैं? चले हुजूर, इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। हाँ जी, जिन्होंने जिन जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ की सजा में कोई किरदार अदा किया, आज वो अजाने दे रहे हैं, बांगे दे रहे हैं कि हमने जुर्म किया है। अच्छा। हमने जुल्म किया है, आपको नहीं पता? ठीक है सर, आप कह रहे हैं जनरल बाजवा ने नहीं कहा कि हमने इसके साथ किया, जितने जजेस उसके साथ मिले हुए वो आपको नहीं पता क्या कह रहे हैं? ये जनाबे वाला आपका मीडिया का थोड़ा सा किरदार होना चाहिए। हम पाकिस्तान में ऐसी सियासत चाहते हैं, ऐसा उसके बच्चों के लिए उनको परवान चढ़ाने का ऐसा तरीका चाहते हैं सियासत में जो गालम गलोच से पाक हो। सर माशाल्लाह अभी तक ना मैंने कोई बदतमीजी की ना आप ऐसी जुबान, हम तो दोनों मुहज्जब हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना, हमें ये तदरीस इन लोगों को देनी चाहिए, दर्स देना चाहिए हमें अपने अमल से। हजूर जब तपे होते हैं ना लोग गुर्बत के मारे या बिल नहीं दिया जाता, वो उनके अपने जज्बात है, हमारा काम इतना कि हम जरा बीप लगा के उसको रोक लेते हैं, इतना अखलाक तो हम दिखाते हैं, मगर उनके जज्बात है सर। जज्बात जिसके जज्बात अगर हैं ना वो दुरुस्त होंगे। खुसूसी तैयारियां क्या है सर? यहाँ स्टेज लग गया शानदार किस्म का, कुर्सियां भी लग जाएंगी, और क्या करने वाले हैं? कोई 100-200 बकरा मियां साहब की आमद पे आपने कुर्बान करना है? बकरों की बात नहीं कर रहे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव मूव करने वाले लोग हैं। मियां साहब आएंगे, तदब्बर से बात करेंगे, यहाँ से आप सुनेंगे, वो कौम को एक मैसेज देंगे, पहले भी दिया। JF-17 टेंडर किसने लाया था, वो कौन लाया था? अमेरिका ने F-16 के पैसे लेकर हमें जब नहीं दिया तो मियां नवाज शरीफ ने क्या किया था? ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ये जो सड़कें, ये पुल आपके सामने बने हुए, किसने बनाए? जिसकी तर्जमानी आप कर रहे हैं उसने एक ईंट भी पाकिस्तान में लगाई? अल्लाह माफ करे, मैं अपने चैनल की, अपने प्रोफेशन की तर्जमानी कर रहा हूँ सर। मैं अगर क्वेश्चन नहीं करूंगा आप आंसर किसका करेंगे? मैं आगे यहाँ बोलना शुरू करूँ, सब ठीक है, सब ओके है, तनकीद तो करनी पड़ेगी ना सर। तनकीद करें, तनकीद बड़ी जरूरी है, हर पार्टी में हम वर्कर भी अपनी क़यादत पे तनकीद करते हैं, ये गलत हो गया, ये सही है, तनकीद ये बैर नहीं, लेकिन मुहज़्ज़बाना तरीके से जबरदस्त हो गया। जनाब यहाँ पर स्टेज भी लगे हैं और वोटर वोटर मेरा नाम सैयद मंजूर हुसैन गिलानी एडवोकेट है, मैं मुस्लिम लीग नून लेयर फोरम का पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक हो गया, ये गिलानी साहब ने खूब ठुकाई की है मनान गिलानी की, यहाँ पे बरादरी में ऐसे बात नहीं हुई। जनाब आगे बढ़ते हैं, किसी और से भी बात करने की कोशिश करते हैं।